सावन का महीना आ चुका है। सावन का महीना आते ही लोगों को केवल चाय दी जाए तो उनको पसंद नहीं आती, चाय के साथ पकौड़ों की डिमांड रहती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सावन आते ही भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं और कांवड़ लेकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं तो शायद आपके पास समय की कमी होगी और आपको भक्ति भी करनी होगी और साथ ही पकौड़े भी खाने होंगे, वो भी चाय के साथ, और घूमने का भी मन होगा। तो हम आपको दिल्ली के आसपास सावन के महीने में घूमने की जगहों के बारे में बता देते हैं, जिससे आपकी भक्ति भी हो जाएगी, घूमना भी, और उसके साथ ही बरसात के मौसम में चाय पकौड़े भी हो जाएंगे। सावन के महीने में आप मथुरा घूमने का प्लान बना सकते हैं। यहाँ ना सिर्फ श्री कृष्ण भक्ति बल्कि आप शिव भक्ति में भी डूब जाएंगे। सावन और इसके बाद भी मथुरा के सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। सावन का महीना सिर्फ शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि कृष्ण भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण महीना होता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है, इसलिए ब्रजवासी अपनी ही धुन में नाचते गाते हुए सावन का स्वागत करते हैं। मथुरा के पास ही आप वृंदावन भी जा सकते हैं। सावन का महीना ब्रज में सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। वृंदावन में हरियाली तीज का त्यौहार भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रज के प्राचीन राधा वल्लभ मंदिर में हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक चांदी के हिंडोले डाले जाते हैं, जो 15 दिन तक जारी रहता है। सावन में अगर आप वृंदावन की यात्रा पर जाते हैं तो श्री कृष्ण भक्ति से जुड़े इन उत्सवों को देखकर आप भाव विवोर हुए बिना नहीं रह सकेंगे। इसमें शामिल होने को देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु वृंदावन में डेरा डालेंगे, तो दिल्ली वाले क्यों पीछे रहे। दिल्ली वाले भक्त हरिद्वार भी जा सकते हैं। सावन के महीने में तो हरिद्वार गेरुआ रंग में ही रंग जाता है। देश के अलग अलग कोने से आने वाले लोग हरिद्वार में हर की पौड़ी में डुबकी लगाते हैं, तो दिल्ली वाले क्यों पीछे रहे। ऋषिकेश में सावन के समय हर तरफ प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। उस समय ऋषिकेश की सुंदरता अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। सावन में खास तौर पर त्रिवेणी घाट, उफनाती गंगा और यमुना आरती देखने का अनुभव ही अलग होता है। इसलिए दिल्ली वालों को ऋषिकेश भी जाना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है कि सावन के समय नदियों में पानी होता है, बल्कि बहुत पानी होता है, तो स्नान करते समय अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय सियाराम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।